पत्रकार राजदीप सरदेसाई को कौन नहीं जानता। हालांकि लोग उनकी चर्चा पत्रकारिता के लिए कम और मोदी विरोधी होने के लिए ज्यादा करते हैं। कई मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रखने वाले पत्रकार राजदीप सरदेसाई अक्सर ट्रोल भी होते हैं, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी विचारधारा के साथ हर रोज आगे बढ़ रही हैं। वैसे जिन राजदीप सरदेसाई को मोदी विरोधी होने के लिए जाना जाता है, वही राजदीप एक वक्त पर मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इतने अच्छे दोस्त कि दोनों की फोन पर काफी बातें होती थी। राजदीप की मदद के लिए मौजूदा पीएम हर वक्त तत्पर रहा करते थे। हाल ही में राजदीप सरदेसाई ने पीएम मोदी से जुड़ी इन्हीं बातों का खुलासा किया, जिसकी अब चर्चा हो रही है। दरअसल वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने लल्लन टॉप के कार्यक्रम नेता नगरी में बताया कि कैसे साल 2002 से पहले तक नरेंद्र मोदी मीडिया के लिए हमेशा आसानी से उपलब्ध रहा करते थे। इतना ही नहीं, एक बार तो तकनीकी समस्या के कारण राजदीप से मोदी का इंटरव्यू खराब हो गया था, लेकिन उसी दिन मोदी ने खुद राजदीप को दोबारा इंटरव्यू दिया था। इस कार्यक्रम में राजदीप ने ये भी बताया कि कैसे पीएम ने उनके पिता के देहांत के बाद फोन किया था और कहा था कि किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो बताना। आपको बता दें, सौरभ द्विवेदी ने सरदेसाई से सवाल पूछा कि कुछ मीडिया की लॉबी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ चीजें चलाई, इसीलिए उन्होंने 2014 से ये प्रोसेस ही हटा दिया। अब वो सीधा संवाद या फिर सोशल मीडिया पर ज्यादा फोकस करते हैं। राजदीप सरदेसाई ने सौरभ द्विवेदी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, आप 2014 को मत देखिए, इसका मापदंड था 2002 के गुजरात दंगे। उस दौरान तो मैंने एक शो किया था जिसका सब्जेक्ट था इस्लामिक टेरर। बीजेपी नेता इस मुद्दे पर डिबेट में आएंगे या नहीं, ये संशय था, लेकिन मोदी जी इस पर बात करने को तैयार थे। राजदीप ने इस दौरान पीएम मोदी की तारीफ करते हुए वो किस्सा भी सुनाया जब उन्होंने खुद पीएम का एक इंटरव्यू किया था, लेकिन किसी वजह से वो टेप खराब हो गई थी। घबराए सरदेसाई ने मोदी को फोन मिलाया और कहा, क्या आप दोबारा इंटरव्यू दे सकते हैं? जवाब में मोदी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं होटल आ जाता हूँ, फिर से इंटरव्यू ले लेना। आपको बता दें, राजदीप सरदेसाई अपनी बातों से ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि पहले मोदी खूब इंटरव्यू दिया करते थे, एक नेता के तौर पर वो जनता के सामने अपनी बातों को पहुंचाना जानते थे, लेकिन 2002 के बाद से उन्होंने थोड़ी दूरी बनानी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, राजदीप ने ये भी बताया कि कैसे एक बार डिबेट में उनके एक गेस्ट ने आने से मना कर दिया था, फिर आखिरी वक्त पर सरदेसाई ने मोदी को फोन मिलाया और कहा, आप प्लीज डिबेट में आ जाइए। मोदी ने जवाब देने के लिए कुछ वक्त मांगा और फिर 5 मिनट बाद दोबारा से फोन करके कहा, परेशान मत होना, मैं आ रहा हूँ। राजदीप सरदेसाई ने कहा, 10 बजे का शो था और मोदी 9:55 पर भागे भागे आए। सिर्फ यही किस्सा नहीं, हाल ही में राजदीप सरदेसाई उस वक्त भी चर्चा में आ गए थे जब उन्होंने राहुल गांधी के संसद में फ्लाइंग किस विवाद पर अपनी टिप्पणी की थी। राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट करते हुए लिखा था, भाजपा महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत की कि राहुल गांधी ने उन्हें फ्लाइंग किस दिया। 2018 में एक आलिंगन और आंख झपकाना सुर्खियां बना था, अब ये एक फ्लाइंग किस है। एक समय संसद की बहस से सामग्री और प्रस्तुति के लिए जानी जाती थी, अब नाटकीय चर्चा का विषय बन गई है। बहरहाल फिलहाल राजदीप सरदेसाई से जुड़ी इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।